मूवी के स्टार्ट में हमें गौर दिखाया जाता है जो अपनी बेटी लव के साथ होता है। असल में यह अपनी फैमिली का अकेला बचा हुआ इंसान है और एक रेगिस्तान में अपनी बेटी के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। इनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। वो अपने गौर से मदद की दुआ करता है लेकिन उसकी बेटी की हालत बहुत ख़राब होती है और उसकी मौत हो जाती है। गौर अपनी बेटी की मौत से टूट जाता है। वो अपनी बेटी को दफन करके उसके ऊपर लेट जाता है। वो भी पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसे सामने एक जंगल दिखाई देता है। उसे लगता है कि गौर ने उसकी मदद के लिए कोई रास्ता दिखाया है और वो इस जंगल के अंदर चला जाता है जहां उसे खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी मिलता है। और जब ये फल खा रहा होता है तभी उसे सामने देवता राकू खड़ा नजर आता है जिनसे उसने मदद मांगी थी। अब वो देवता गौर से कहता है कि तुम मेरे फल नहीं खा सकते। गौर कहता है कि मैंने आपसे मदद मांगी थी, आप शायद मेरी मदद के लिए आए हैं। वो कहता है कि नहीं, मैंने एक नेक्रोसूर को मारा है इसलिए आज मैं खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर गौर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो देवता से कहता है कि हमारी पूरी की पूरी बरादरी खत्म हो चुकी है, मैं अपनी बरादरी में अकेला बचा हूँ जो आपको पूजता हूँ। अगर मैं भी मर गया तो आपको पूजने वाला कोई नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी भी मारी गई इसलिए मैंने आपसे मदद की अपील की थी, आप सही वक्त पर नहीं आए। इस पर राघू कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी मारी गई तो इस पर कोई भी दुख करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती है। ये सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर जो नेक्रोसूर की तलवार होती है वो इससे इसी देवता को मार देता है और कहता है कि कोई देवता को पूजना नहीं है, जब भी हमें मदद की ज़रूरत होती है तो कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता और आज से कोई भी देवता मेरे सामने आएगा मैं इसको मार दूंगा, सभी देवता मेरे दुश्मन हैं। दूसरी तरफ हमें थार को दिखाया जाता है जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में शामिल हो गया था लेकिन वो हमेशा जीन को याद करता है जैसे वो कभी प्यार करता था, पर अब वो दोनों अलग हो गए थे। थार पूरी दुनिया से अलग, वो बिल्कुल तन्हाई की ज़िंदगी जीता है और जब भी उसे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम बुलाती है तो उनका साथ देने के लिए वो चला जाता है। पर उसके पास फिर से पेट्रिकल आता है और कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वो उनकी मदद के लिए जंग में पहुंच जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जंग को जीत जाता है। दूसरी तरफ हमें जीन फोस्टर को दिखाया जाता है जो थॉर से 8 साल पहले अलग हो गई थी और अब वो प्रोफेसर लेक्चरार है लेकिन उसे बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और बहुत जल्द इसकी मौत होने वाली है। एक दिन जीन फोस्टर को एक किताब दिखती है जो कि वाकचंग की होती है। जब वो किताब को पढ़ती है तो इसमें थॉर के हथौड़े के बारे में भी लिखा होता है जो कि अब टूट चुका है। उधर थॉर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में है, तभी पता चलता है कि इस टीम में बहुत सारे प्लानर हैं जो उसे मदद के लिए बुला रहे हैं। वो गैलेक्सी से एक ही बात कह रहे होते हैं कि हमारे देवताओं को मार दिया गया है। तभी एक वीडियो में थॉर अपनी बचपन की दोस्त सिफ को देखता है, वो बचपन में उसके साथ गार्डन में रहा करती थी। थॉर कहता है कि हमें इनकी दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा। पीटरकॉल कहता है कि बहुत सारे प्लानर को हमारी ज़रूरत है, क्यों ना हम अलग अलग जाएं। थार को इसकी बात अच्छी लगती है और वो अपने दोस्त गौहर के साथ सिफ के प्लानर में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर उनके देवता को मार दिया गया है। सिफ भी बुरी तरह से ज़ख्मी होती है और उसे बताती है कि जिसने हमारा ये हाल किया है अब इसका अगला टारगेट एसगार्ड है और वो उसे ख़त्म करने के लिए जा रहा है और एसगार्ड अब धरती पर है। जब एसगार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था उसके जितने भी साथी थे वो सब धरती पर आ गए थे। वो इंसानों के साथ घुल मिल कर रहते हैं और इनकी जो नई किंग होती है उसका नाम है वेलकरी। दूसरी तरफ हमें गौर को दिखाया जाता है जो अब और भी ताकतवर हो गया है। उसके पास जो नेक्रोसूर्ड होती है उसने उसे बहुत शक्तियाँ दी होती हैं और वो नेक्रोसूर्ड से अपने साथियों को ताकतवर बना देता है और सब के सब एसगार्ड यानी अर्थ के ऊपर हमला कर देते हैं। वेलकरी उन सब का सामना करती है और यहाँ पर थॉर भी आ जाता है। सब के सब
उनसे लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान यहाँ पर जीन फॉस्टर भी आती है जो कि अब थॉर के रूप में है। दरअसल जब उसने किताब में थॉर के हथौड़े के मान के बारे में पढ़ा था उसमें लिखा था कि जो भी इस हथौड़े को उठाता है उसकी तमाम बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद वो एसगार्ड गई थी जहाँ पर उसने देखा कि थॉर का हथौड़ा टूटा हुआ है जिसको उसकी बहन हीला ने तोड़ दिया था। पर जब वो इसके पास गई तो उसके अंदर हलचल होना शुरू हो गई और हथौड़ा जुड़ गया। जब उसने हथौड़े को उठाया तो उसकी तमाम बीमारियां ठीक हो गईं। इसके बाद वो बन गई माइंटी थॉर। हथौड़ा उसे देखकर अपने आप इसलिए जुड़ गया क्योंकि एक दफ़ा थॉर ने हथौड़े से कहा था कि तुमने हमेशा जीन फॉस्टर का ख्याल रखना है और हथौड़े को ये बात याद थी। अब वो थॉर की फौज से मिलकर गौर की फौज से लड़ना शुरू कर देती है। गौर अपने एक मैनचेस्टर की मदद से थॉर के बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। थॉर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक सकता। दरअसल थॉर को गौर का स्ट्रॉन्ग हीकर चाहिए क्योंकि वो किसी भी दुनिया का रास्ता खोल सकता है। तभी उन गार्डियन को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों की वजह से परेशान थे। थॉर उन्हें कहता है कि मैं उन बच्चों को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। वैल्करी थॉर को बताती है कि गौर के पास मैक्रोसूड है। जीन फॉस्टर पूछती है कि नेक्रोसूड क्या है। थॉर कहता है कि ये एक ऐसी तलवार है जिससे वो देवताओं को मार सकता है और साथ ही कई सारे मैनचेस्टर को पैदा कर सकता है। ये तलवार अलग अलग वक्त में अलग अलग मैनचेस्टर को चुनती है और इस वक्त उसने गौर को चुना है। जिसे भी ये तलवार चुनती है वो पूरी तरह अपनी अच्छाई को खो देता है। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं थॉर का बेटा जिसे गौर अपने साथ उठाकर ले गया था उसी की एक हॉलोग्राफिक तस्वीर यहाँ पर आती है कि उसके अंदर शक्तियाँ हैं। थॉर उसे कहता है कि तुम यहाँ कहाँ पर हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। थॉर कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा। जब वो फोकस करता है तो थॉर उस तक पहुँच जाता है। बच्चे थॉर से कहते हैं कि हमें यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। थॉर कहता है कि मैं असली में यहाँ पर नहीं हूँ, सिर्फ मेरा दिमाग यहाँ पर है। थॉर अपने साथियों को बताता है कि गौर ने बच्चों को गहरे अंधेरे में रखा हुआ है जहां पर गौर की शक्तियां बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए हमें पूरी टीम की जरूरत है ताकि हम गौर को हराकर बच्चों को वापस ले आएं। ये अपनी टीम को मजबूत करने के लिए चारों देवताओं की दुनिया में जाते हैं जहां पर इनकी बात कोई भी सीरियसली नहीं लेता। इसी दौरान यहाँ पर बड़ा देवता जॉस आता है जिसे थॉर कहता है कि सब देवताओं को मारा जा रहा है, हमें किसी भी तरह से गौर को खत्म करना होगा। पर जॉस इसकी मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि हमें जॉस के शक्तियों वाले हथियार हासिल करना होंगे तभी ये गौर को हरा सकते हैं। इसके बाद ये थंडरगोल यानी जॉस के हथियार हासिल करने के लिए देवताओं से लड़ना शुरू कर देते हैं। जॉस को गुस्सा आ जाता है, वो अपना हथियार थंडरगोल इस्तेमाल करके गौर की बॉडी को चकनाचूर कर देता है। इसके बाद वो थॉर के ऊपर भी हमला कर देता है। थॉर खुद भी एक देवता है, वो इसलिए वो जॉस के हथियार पकड़ लेता है और वापस उसी पर हमला कर देता है। जॉस जख्मी हो जाता है और ये सब के सब थंडर गोल्ड को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और इस प्लानर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर कॉर्ग है जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। ये इस प्लानर पर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे कहीं भी नज़र नहीं आते। तभी जेन फॉस्टर को एक पेंटिंग मिलती है जो अंटेंटनी की होती है, उसे सिर्फ थॉर के ब्रेक स्टोनर से ही खोला जा सकता है। अब इनको पूरा प्लान समझ में आ जाता है कि वो थॉर के ब्रेक स्टोनर को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो अंटेंटन के दरवाजे को खोल सकें। गौर ने उन सब को जाल बिछाकर बुलाया है क्योंकि ये इसकी अंधेरों की दुनिया है और अगले पल के सामने गौर आ जाता है। उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, गौर उन सब के ऊपर हावी हो रहा होता है। इसी दौरान वो वैल्करी को जख्मी कर देता है। गौर को समझ आ जाता है कि अगर उसे वैल्करी और बाकी साथियों को बचाना है तो उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसीलिए वो अपने स्टोन ब्रेकर की मदद से दरवाजे को खोलता है और सबके साथ निकलने लगता है। लेकिन तभी गौर उसके स्टोन ब्रेकर को पकड़ लेता है और अपने साथियों के साथ मिलकर टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर चला जाता है। इसका स्टोन ब्रेकर अब गौर के पास है जिसकी गौर को हमेशा से ज़रूरत थी। अब थॉर जीन फॉस्टर को
बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो अर्थ पर पहुंच चुके हैं। यहां पर जीन फोस्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तभी थॉर को पता चलता है कि उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। और जीन फोस्टर अगर थॉर के हथौड़े को उठाएगी तो इसे शक्ति तो मिलेगी, फिर जब वो इंसानी रूप में आएगी और भी कमज़ोर हो जाएगी। थॉर जीन फोस्टर से कहता है कि अब माइन को कभी मत उठाना और खुद गौर के पास चला जाता है। गौर को देखा जाता है कि जो एक ब्रेक स्टोन से एंटेंटन के दरवाजे को खोल रहा होता है। तभी थॉर यहां पर पहुंच जाता है जिसके पास थंडरबोल्ट है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गौर ने अगर एक बार दरवाजे को खोल लिया तो जो चाहे वो कर सकता है और सभी देवताओं का आत्मा मांगेगा, इसीलिए थॉर किसी भी हाल में उसे रोकना चाहता है। गौर ने अपनी तलवार से बहुत सारे दीमर को पैदा किया है, इसीलिए थॉर अपनी सारी शक्तियां अपने बच्चों को भी दे देता है जो यहां पर होते हैं। बच्चे भी दीमर के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर भी थॉर की शक्तियां हैं। थॉर गौर से लड़ रहा होता है, गौर थॉर से भी ज़्यादा ताकतवर है जो थॉर पर बुरी तरह से हावी हो रहा होता है। और यहाँ पर आ जाती है जीन फोस्टर, उसने एक बार फिर माइन को उठा लिया है और इससे गौर की तलवार को एक ही वार में चकनाचूर कर देती है। और जब थॉर देखता है कि जीन फोस्टर ने एक बार फिर माइन को उठा लिया है, उसे दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि जब वो इंसानी रूप में वापस आएगी तो उसकी मौत हो जाएगी। और जीन फोस्टर से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अब एंटेनिटी का दरवाज़ा खुल चुका है जिसके अंदर गौर जा चुका है और इसके सामने अब एंटेनिटी है जिससे वो मांगने वाला होता है कि सभी देवता मारे जाएं। तभी थॉर वहां पर आ जाता है और वो गौर से कहता है कि सभी देवताओं को मार दो लेकिन फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, शांति सिर्फ प्यार में है। जबकि मैं मरने वाला हूँ, मैं देवता हूँ, मैं अपने ये लम्हात अपने प्यार के साथ निभाना चाहता हूँ, यानी जीन फोस्टर के साथ। ये बात सुनने के बाद गौर को अपनी बेटी की याद आ जाती है जिसका नाम लव था, जो कि मर चुकी है। गौर कहता है कि मैं किसी भी देवता को नहीं मारना चाहता, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। इसके बाद उसकी बेटी जिंदा हो जाती है और फिर दिखाया जाता है कि गौर अपनी बेटी की गोद में है। वो वक्त से नेक्रोसूर तलवार का इस्तेमाल कर रहा था जिससे अब वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसकी ज़िंदगी का आखिरी पल है, उसे अपनी बेटी की गोद में बहुत अच्छा लग रहा होता है। उधर थॉर को दिखाया जाता है कि जिसकी गोद में जीन फोस्टर है, जीन फोस्टर उसकी गोद में दम तोड़ देती है। गौर को भी इस बात की फिक्र होती है कि इसके जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। तभी वहां पर थॉर आता है। थॉर कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगा। इसके बाद गौर भी मर जाता है। आखिर में तमाम लोग सारे बच्चे भी अर्थ पर आ चुके हैं जहाँ पर वैलकरी सब बच्चों को ट्रेनिंग देती है। थॉर गौर की बेटी को अपनी बेटी की रखता है। थॉर को इसका हथौड़ा मिल चुका है और अपना खतरनाक हथियार स्टोन वेकर को गौर की बेटी को दे देता है जिसका नाम लव है। इसके बाद ये लोग जगह जगह जाकर कमजोर लोगों की मदद करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ जाता है लव थंडर। इसके बाद हमें मैक्यूस को दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी होता है और कहता है कि बहुत जल्द मेरा बेटा हरकुलिस आएगा और वो थॉर का खात्मा कर देगा। ये अब थॉर से बदला लेना चाहता है। एंड पे हमें जीन फोस्टर को दिखाया जाता है जो मरने के बाद वीर हेला पहुंच गई थी। ये जगह है जहां पर गार्डियन मरने के बाद पहुंचते हैं। असल में उसकी मौत थॉर के रूप में हुई थी, इसलिए इसका इस्तकबाल मेमडोल करता है। इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।